तो अब अगर बात कर लेंगे किस तरह से एक अंडा एक मरती हुई बिल्ली को बचा सकता है, तो ज़्यादातर वो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद रुमीद है, सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं फूड से रिलेटेड, और जब हम फूड से रिलेटेड बात करते हैं तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, वो है कि क्या हम अंडा खिला सकते हैं, अगर खिला सकते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से खिलाना है। ये बहुत सारे क्वेश्चन के मैं आज आंसर करने वाला हूँ, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि एक अंडा एक मरती हुई बिल्ली को किस तरह से बचा सकता है, क्या इसके अंदर ऐसा जादू है या क्या ऐसी इसके अंदर चीज़ है जो एक मरती हुई बिल्ली भी बच सकती है अंडा खाने की वजह से। तो इसका भी मैं वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। वीडियो के अंदर लाजमी देखिएगा, बहुत मज़े की वीडियो है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगी, और आपकी जो डाइट है कैट की वो प्रॉपर हो सकता है कि चेंज होने वाली हो। तो वीडियो के अंदर लाजमी देखिएगा, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप बिल्कुल अपनी बिल्ली को अंडा खिला सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं इसके, न्यूट्रिशन से भरा होता है। लेकिन ये भी साथ साथ क्लियर कर दूं कि जो अंडा है वो एक प्रॉपर डाइट नहीं हो सकती कभी भी, ये कैट के अगर आप कहें कि इसको ज़िंदगी भर हम अंडे पर चलाते रहें तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अंडे में वो सारे न्यूट्रिशंस हैं जो एक कैट खा सकती है और उसको फ़ायदा भी होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से देना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस फॉर्म में देना चाहिए, इसको रॉ में देना चाहिए या बॉयल में देना चाहिए या ऑमलेट बना के। सबसे पहले अगर हम रॉ की बात कर लें तो रॉ जो है वो कुछ लोग प्रेफर करते हैं, कुछ साइंसदान कहते हैं कि दे दें, कुछ कहते हैं ना दें। मेरा आप लोगों का मशवरा ये है कि अगर आपने देना है तो आप अपने स्टड मेल जो है अगर वो स्टड करता है तो आप उसको दे सकते हैं रॉ। लेकिन उसका तरीका ये होता है कि अगर आपने डाला है उसको 2 से 3 मिनट रखा है, उसने जितना 2 से 3 मिनट में खा लिया खा लिया, उसके बाद आप उसको हटा लें क्योंकि बहुत जल्दी बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। अपनी कैट को भी दे रहे हैं, अपने किटन को भी दे रहे हैं, तो यही तरीका होगा, 2 से 3 मिनट बाद आप उसको हटा दें, उसको फेंक दें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा तरीका है एग देने का वो है हाफ़ बॉईल करके आप दें, ना ही फुल बॉईल करें ना ही उसको आप रॉ दें, उसको हाफ़ बॉईल करें। हाफ़ बॉईल करने का फ़ायदा ये होगा कि बैक्टीरियाज के आने के चांसेस बहुत कम होंगे और जो रॉ का इफेक्ट है वो भी उसके अंदर रहेगा काफ़ी हद तक। तो जब किटन या कैट या आपका स्टड मिल्क खाएगा तो वो काफ़ी हद तक उसे एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा। उसके बाद बात आ जाती है ऑमलेट की, तो ऑमलेट बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं है, उसके अंदर ऑयल आ सकता है, उसके अंदर स्पाइसेस होते हैं, उसके अंदर अनियन वगैरह इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो आपने वो नहीं देना। बहुत सारे कैट जो हैं वो ऑमलेट खाना पसंद करती हैं, अगर आप ऑमलेट दे रहे हैं तो कोशिश करें कि या तो उसको नॉन स्टिक पैन में बना लें, उसको आप ऑयल ना डालें, वरना आप कोशिश करें कि ना ही दे तो बेहतर है। फिर हम बात कर लेते हैं कि इसको कितनी दफ़ा दिन में देना चाहिए या हफ्ते में कितनी दफ़ा देना चाहिए। आप इसको एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आप ट्रीट्स यूज़ करते हैं, म्याऊ की ट्रीट्स आती हैं, वैनपी की ट्रीट्स आती हैं, आप उसको मतलब कि दिन में एक दफ़ा दे दिया या 2 दिन बाद दे दिया, आप इसको यूज़ इस तरह से यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर डाइट नहीं है। अगर आप खाली इस पर ही चलाते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी आपकी कैट को। लेकिन ये है कि आप दिन में एक दफ़ा दे सकते हैं, 2 दिन में एक दफ़ा दे सकते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप किटन को दे रहे हैं, आप कैट को दे रहे हैं या आप मेल कैट को दे रहे हैं। और फिर से एक चीज़ मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो वेजिटेरियन होते हैं या वेगन होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि क्या हम इसको इसी पे रख सकते हैं, एग के ऊपर रख सकते हैं या इसको वेजिटेरियन डाइट दे सकते हैं। तो ऐसी कोई बिल्ली नहीं मैंने देखी जो वेजिटेरियन हो, उसकी जो प्रॉपर नीड है वो मीट आ जाता है, फिश आ जाता है, एग आ जाता है, ये सारी चीज़ें मिल के ही उसके न्यूट्रिशन पूरे करती हैं। अगर आप ये कोशिश करेंगे, ये सोचिए कि मैं वेजिटेरियन हूँ, अपने घर में गोश्त नहीं ला सकता, ये चीज़ें नहीं ला सकता, तो अपने जानवर के साथ ज्यादा करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ऑनलाइन स्टोर विजिट नहीं किया तो लाजमी कर लें, यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जिनमें शैम्पूस, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन और ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो आपके कैट्स एंड डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब अगर बात कर लेंगे किस तरह से एक अंडा एक मरती हुई बिल्ली को बचा सकता है, तो ज़्यादातर वो कैट्स जिनको टॉक्सिसिटी हो जाती है, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खा ली, जहरीली चीज़ खा ली, या अक्सर आप स्प्रे करते हैं फ्लीज वगैरह का या पाउडर यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो अक्सर लीक कर लेती हैं। एमरजेंसी कंडीशन में अगर आप वेट के पास जा रहे हैं, रस्ते में हैं या नहीं जा पा रहे, आपके इलाके में वेट नहीं है, तो एमरजेंसी में आप क्या कर सकते हैं, वाइट एग जर्दी के बगैर होता है रॉ में, आप लोग उसको सिरिंज में भर के उसे दाल पिला सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है इसके अंदर। मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी कि प्रॉपर इसका इलाज है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कुत्तों में भी और बिल्लियों में भी, जिनको टॉक्सिसिटी होती है और वाइट एग खिलाने की वजह से बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ मिल जाता है। और उसके अलावा वाइट एग ये यहाँ भी काम आ रहा होता है, अगर आपकी किटन जो है उसको कैल्सी वायरस हो गया या उसको पेनलकवीनिया में तो खैर बचती नहीं ना बिल्ली, अगर कैल्सी वायरस है उसके अंदर भी हेल्प कर रहा होता है अगर आप उसको रॉ एग खिला रहे हैं।
रॉ वाइट एग की मैं बात करूँ आपसे, मैं आपने जर्दी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करनी। उसका तरीका क्या होता है, आप 2 से 3 दफ़ा दिन में दे सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3 ml अगर किटन है 2 से 3 ml दे दें, अगर कैट है 5 to 10 ml आप उसको 2 से 3 दिन में दे सकते हैं। और अगर वैसे ही कभी कभी वाइट एग अपनी कैट को खिला दें रॉ में तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहता है। तो ये तरीके से आप अपनी कैट की जान भी बचा सकते हैं। और लास्ट में जो अंडे का छिलका होता है वो भी फ़ायदेमंद होता है, कैल्शियम का सोर्स होता है, आप उसको अपनी डाइट जो कैट की डाइट है उसमें मिक्स करके खिला सकते हैं। वैसे कैट्स को बहुत ज़्यादा कैल्शियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत एक अंडे का छिलका अगर डाल देते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं, बल्कि वो फ़ायदेमंद है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सर्दी है वो खाने से हार्ट डिजीज़ होती है, इंसानों को बिल्कुल होती है लेकिन वो कैट्स को उस तरह से इफेक्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए आप दे सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर लूँगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।